गाइस कैसे हो आप सब। माय नेम इज अंकिता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज का वीडियो होने वाला है किचन एंड होम यूटिलिटीज से रिलेटेड। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम। दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सो गाइस इस वीडियो में मैं आपके साथ टोटल 5 आइटम्स शेयर करने वाली हूँ, जिसमें से 4 आइटम्स जो हैं वो मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किए हैं किचन से रिलेटेड, और सिर्फ एक आइटम है जो मैंने मीशो से परचेज किया है होम से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं होम रिलेटेड आइटम से। सो गाइज जिस आइटम की मैं बात कर रही हूँ होम से रिलेटेड, वो है ये इलेक्ट्रिक वार्म जेल बैग, और आप इसको थर्मल जेल बैग भी कह सकते हो। सो ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। हम जनरली हॉट वाटर बैग्स यूज़ करते हैं, उसमें काफ़ी टाइम लगता है, पहले पानी गर्म करो फिर उसको उसमें भरो, उसमें हाथ जलता है, आधा गिरता है, तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए मैंने इसको परचेज किया है, इसको मैंने मीशो से परचेज किया जैसे कि मैंने बताया। ये एक नॉर्मल बैग है जिसके अंदर जेल भरा हुआ है एंड यहाँ पे एक सॉकेट टाइप का दिया है एंड इसके साथ एक वायर आया था, इसको आपको प्लग पॉइंट में इंसर्ट करना है एंड इसका ये साइड आप बैग से कनेक्ट करेंगे। जैसे ही आप इसको सॉकेट से कनेक्ट करेंगे यहाँ पे एक रेड लाइट जलने लग जाती है, विच मीन्स कि ये चार्ज होना स्टार्ट हो गया है। आई विल एडवाइज कि आप इसको चार्जिंग करते टाइम यूज मत करिए, आप इसको फर्स्ट चार्ज कर लीजिए उसके बाद में इसको यूज़ करिए। काफ़ी अच्छे टाइम के लिए चलता है एंड काफ़ी अच्छी हीट प्रोवाइड करता है। आप इसको 5 to 7 minutes या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 minutes के लिए चार्ज कर लीजिए एंड ये आराम से आपको 2 hours या 2.5 hours के लिए हीट प्रोवाइड करेगा। एंड एक चीज़ और, आप इसको डायरेक्ट अपनी स्किन से टच मत करिएगा, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा वार्म हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, काफ़ी हीट प्रोड्यूस करने लगता है। तो या तो आप कोई नॉर्मल क्लॉथ यूज़ कर सकते हैं या टॉवल विल बी बेस्ट, आप टॉवल यूज़ कर लीजिए, उसके ऊपर से इससे सिकाई करिए तो ये आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ देगा। मैं खुद इसे यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से एंड इट इज़ अ वेरी 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 गुड प्रोडक्ट, हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट। इसके से रिलेटेड जो भी डिटेल्स होंगी गाइज वो मैं साइड में स्क्रीन पर मैंशन कर दूंगी, एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका कोड मैंशन कर दूंगी। अगर आप इसको इंटरेस्टेड हैं बाय करने में तो आप इस प्रोडक्ट कोड को यूज़ करके मीशो से परचेज कर सकते हैं। सो गाइज ये था फर्स्ट आइटम। गाइज सो नेक्स्ट हम बात करते हैं किचन रिलेटेड आइटम्स की। तो किचन कैटेगरी में मैंने फर्स्ट आइटम जो बाय किया था वो है ये मटका शेप जार्स लाइक दिस। सो दिस इज फ्रॉम ब्रांड कॉल्ड लेक्सीविल्स। ये 6 का सेट था, इस टाइप के 6 जार्स थे, अच्छे से बबल रैप होके पार्सल में रिसीव हुआ था। आई ऑर्डर दिस फ्रॉम फ्लिपकार्ट। सो इसमें 200 ml क्वांटिटी आ जाती है, नॉर्मल जैम का जो बॉटल कैप होता है उस टाइप का बॉटल कैप है ये। एयरटाइट कंटेनर्स हैं तो कोई इशू नहीं है ख़राब होने का, आप इसमें स्नैक्स हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। सो इट लुक्स लाइक दिस। सो दिस इज द फर्स्ट आइटम इन किचन। जो नेक्स्ट आइटम है गाइज वो है ये ऑयल डिस्पेंसर फ्रॉम ट्रियो। अगेन दिस इज अ ग्लास आइटम विद अ सिलिकन कैप, इसके ऊपर सिलिकन की कैप दी गई है, इसको आप ओपन कर देंगे, फनल की हेल्प से आप इसमें ऑयल फिल कर सकते हैं एंड इसको इस तरह से क्लोज कर देंगे एंड यहाँ पे एक ओपनिंग दी है ऑयल यूज करने की। सो दिस इज अ ऑयल डिस्पेंसर, दिस इज 500 ml क्वांटिटी, इसमें 1 liter का भी था, रिफाइंड ऑयल कम ही यूज होता है सो मैंने इसको 1/2 liter के लिए ही ऑर्डर किया। सो इसके अगेन जो डिस्क्रिप्शन होंगे प्राइस एंड ऑल वो मैं साइड में मैंशन कर दूंगी, एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे प्रोडक्ट के लिंक्स मिल जाएंगे। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप उस लिंक से परचेज कर सकते हैं। सो दिस इज द नेक्स्ट आइटम। गाइस जो नेक्स्ट आइटम है वो है वुडन स्पून्स का सेट, सेट ऑफ 6 वुडन स्पून्स, इस टाइप के छोटे वुडन स्पून्स हैं, इनका 6 का सेट था। सो आई ऑर्डर दिस अगेन फ्रॉम फ्लिपकार्ट। सो आप इसको किसी भी कंटेनर्स में यूज कर सकते हैं फॉर सॉल्ट, शुगर, टी, कॉफी या मसाला वगैरह के लिए। सो ये बहुत अच्छे लगते हैं कंटेनर्स में, नॉर्मल स्टील या प्लास्टिक के स्पून्स का फैशन नहीं है। सो इट लुक्स गुड प्लस ट्रेंडी, सो आई ऑर्डर्ड दिस। सो बहुत कॉस्टली भी नहीं था, अफोर्डेबल था, इसका प्राइस मुझे अभी याद नहीं है, जो होगा मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। सो दिस इज द नेक्स्ट आइटम। सो गाइज जो नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोडक्ट है इस वीडियो के लिए वो है एयरटाइट प्लास्टिक कंटेनर्स अगेन फ्रॉम फ्लिपकार्ट। सो इट लुक्स लाइक दिस, दिस इज ट्रांसपेरेंट कंटेनर विद ब्लैक कैप, ऑल दिस कंटेनर्स आर एयर टाइट। सो ये कुछ इस टाइप से ओपन होता है एंड अंदर से इस टाइप से है। सो इस पे सेल्फ डिजाइन है इस टाइप से जो कि बहुत सुंदर लग रही थी एंड कैप पे कुछ इस टाइप से फ्लावर टाइप का डिजाइन है। सो 4 क्वांटिटी के कंटेनर्स थे, ये
2 kg का कंटेनर है। इस टाइप के 6 कंटेनर्स थे, कोई भी पीस डैमेज नहीं था, अच्छे से पैक होके सब आए थे। सो ये 2 kg का है। देन नेक्स्ट दिस वन इज 1 kg, मैंने इसमें किडनी बीन्स स्टोर कर रखी है। सो इट लुक्स लाइक दिस। सबका सेम डिजाइन है, सेम पैटर्न है, बस क्वांटिटी का डिफरेंस है। इस टाइप का भी 6 था। देन 1/2 kg के अगेन 6 थे इस टाइप से। ये 1/2 kg का कंटेनर है, अगेन सेम इन ऑल एस्पेक्ट्स। देन लास्ट वन, दिस वन इज 250 ml, अगेन सेम, बस क्वांटिटी का डिफरेंस है। सो हर टाइप के 6 कंटेनर्स थे मेरे पास, दैट मेक्स 24। सो गाइज, दिस वॉज द लास्ट आइटम फ्रॉम फ्लिपकार्ट। सो या गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, कॉमेंट डाउन बिलो, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक दैट बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई अपलोड अ न्यू वीडियो इन यूट्यूब। एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।